तयम्मुम का तफसीली तरीका, बराए मेहरबानी तयम्मुम का मुकम्मल तरीका बता दें। मकबूल अहमद, तयम्मुम के बारे में वाज़ेह हदीस हैं, सही हदीस हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तयम्मुम ज़रबतान, ज़रबतुल लिलवजही व ज़रबतुल लिलयद, के दो ज़रबा हैं, दो दफ़ा ज़मीन पर हाथ मारना, एक चेहरे के लिए और दूसरा हाथ के लिए, हाथ से मुराद कोहनियों समेत हाथ। दूसरी हदीस में इसकी तशरीह, उसका तरीका यह है कि आपने दिल में इरादा किया कि मैं तयम्मुम की नीयत कर रहा हूँ। अगर गुसल फ़र्ज़ है आप पर तो और पानी नहीं है तो गुसल के तयम्मुम की नीयत करें, और अगर वुज़ू है करना है तो वुज़ू की नीयत की तयम्मुम करें, तयम्मुम की नीयत करें सॉरी। तो उसमें तरीका क्या है, मिट्टी पे आपने ऐसे हाथ मारा, पहले ये बाजू ना ऊपर कर ले, घड़ी बड़ी उतार दें ऐसे करके, जैसे घड़ी है ये आपने उतार दी, आपने क्या किया ऐसे हाथ मारा मिट्टी पे और यूं यूं करके ऐसे झाड़ लिया, ठीक है। और फिर आपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से जहाँ जहाँ वुज़ू का पानी पहुँचाना लाजिम है वहाँ वहाँ तक हाथ फेर लिया आपने अच्छी तरह से, बस एक दफ़ा कर लिया। फिर दोबारा आपने मिट्टी पर हाथ मारा, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ, ये पूरा यहाँ तक कोहनियों समेत, इसको पिछली जानब भी अच्छी तरह कर लिया, और फिर ये वाला हाथ यहाँ कर दिया आपने, इस तरह से ख़त्म हो गया तयम्मुम। तो ये तरीका है गुसल का तयम्मुम का, भी यही तरीका है, और वुज़ू के तयम्मुम का भी यही तरीका।